हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे भाई लोग कमेंट करके मुझे पूछ रहे थे कि सर मुझे बताइए कि शॉर्ट्स में थंबनेल को कैसे लगाएं, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि इस टाइम जब आप शॉर्ट्स को अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद जब आप YouTube स्टूडियो ओपन करते हैं तो जहां पर आपको थंबनेल लगाने का ऑप्शन मिलता था वहां पर अब थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, कैसे आप थंबनेल को लगा सकते हैं, उसके लिए मैंने ये आपके एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। जैसा कि आपको पहला एक तरीका पता होगा कि अगर आप गूगल क्रोम में जाकर डेस्कटॉप मोड ओपन करके वहां से अगर आप शॉर्ट्स को अपलोड करेंगे तो वहां पर आपको थंबनेल लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल अपने यूट्यूब ऐप से, जो कि यूट्यूब का ऐप है, वहां से अगर आप शॉर्ट्स को अपलोड करेंगे तब आप कैसे थंबनेल लगा सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे भाई लोगों का क्वेरी था। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा मोबाइल पर ले जाकर लाइव आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आप यूट्यूब ऐप से शॉर्ट्स को अपलोड करते हैं तो कैसे उसमें आप अपना थंबनेल लगा सकते हैं। आपको जाकर क्रोम ब्राउजर नहीं ओपन करना है, वहां पर आपको जाकर डेस्कटॉप मोड में नहीं ओपन करके यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना है तो डायरेक्ट आप यूट्यूब ऐप से वीडियो को अपलोड करके वहां पर भी आप थंबनेल लगा सकते हैं और मैं पूरा लाइव प्रूफ के साथ आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो भाई लोग, अगर जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया है उस पर प्रेस करके, बगल में बेल आइकॉन दिया गया है उस पर प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही शॉर्ट्स रिलेटेड कॉन्टेंट मिलते रहते हैं जो आपको शॉर्ट्स में ग्रोथ को बहुत तेजी के साथ बढ़ा देंगे। तो चलिए आपको प्रूफ के साथ मैं लाइव अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले जाकर दिखा देता हूं। जैसा कि जब आप लोग अपने YouTube स्टूडियो में आते होंगे तो जो भी शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, जैसा कि मैंने अपलोड किया है तो इस पर मैं जाता हूं, तो आप जब ऐसे थंबनेल लगाने के लिए जाते होंगे, ये पेन वाले आइकॉन पर जब क्लिक करता हूं तो आप भी ऐसे क्लिक करते होंगे तो आपको कुछ ऐसा एकदम प्लेन इंटरफेस मिलता होगा जहां पर आपको थंबनेल लगाने का कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। पहले यहां पर एक पेन वाला आइकॉन दिखता था जहां पर आप सिलेक्ट करके लगा सकते थे थंबनेल कि कैसे आपको थंबनेल लगाना है, वहां से आप सिलेक्ट करके थंबनेल लगा देते थे, लेकिन वो वाला आइकॉन इस टाइम अब नहीं है, जिससे बहुत सारा कंफ्यूजन आता है कि कैसे अब हमें थंबनेल को लगाना है। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि कैसे थंबनेल को लगाना है। इसको मैं पीछे करता हूं बैक, और इसके बाद मैं आता हूं यहां पर अपने YouTube पर और आपको एक वीडियो अपलोड करके लाइव दिखा देता हूं, ठीक है। तो जैसा कि मेरा चैनल ओपन हो गया है तो यहां से मैं जाऊंगा अपलोड अ वीडियो पर जाऊंगा और यहां से एक फाइल मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसा कि मैंने ये फाइल आपका सिलेक्ट कर लिया, ठीक। ये फाइल सिलेक्ट हो गया, इस पर नेक्स्ट में जाता हूं और ये नेक्स्ट करके मैं बस एग्जांपल में बता रहा हूं, मुझे वीडियो अपलोड नहीं करना है, बस एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं टाइटल पे जाता हूं, कुछ भी लिख दूंगा, वीडियो लिख दिया, बस सिंपल वीडियो लिख दिया, और आपका जो भी टाइम वगैरह सेट करना है आप सेट करके जैसे अपलोड करते हैं करके अपलोड शॉर्ट्स पर चले जाइए। कर दिया आपने, अब यहां से आपको डायरेक्ट अपने YT स्टूडियो में आना है, ठीक है। YT स्टूडियो आपको डायरेक्ट ओपन करना है, जिस पर आपने अपलोड कर रहे थे आप, जिस पर। तो भैया मैंने ओपन कर लिया है, आपको दिख रहा होगा वीडियो वाला टाइटल जो मैं अभी अपलोड कर रहा हूं, उस पर जाना है आपको। ये आपका जो पेन वाला आइकॉन दिख रहा है इस पर सिंपल क्लिक करना है, और यहां से क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपको थंबनेल लगाने का ऑप्शन दिख रहा है, ऊपर ये दिख रहा है जो पेन वाला आइकॉन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप कस्टम थंबनेल पर चले जाएंगे जहां से आप थंबनेल लगा सकते हैं जैसे आप पहले लगाते थे। आराम से कस्टम थंबनेल पर जाकर जो थंबनेल आप बनाए हैं उसको सिलेक्ट करके आप लगा देंगे, तो पिछले जैसा ही ऑप्शन है। ये ऑप्शन कैसे आया, जैसे ही आप वीडियो अपलोड करेंगे, वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ रहेगा तभी आपको डायरेक्ट, जब वीडियो अपलोड नहीं हुआ रहेगा तभी आपको अपने YouTube स्टूडियो में आना है, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये थंबनेल लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन जब आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा इसके बाद अगर आप आएंगे तब आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। तो जैसे ही वीडियो अपलोड प्रोसेस चल रहा है, अपलोडिंग हो रहा है, तभी आपको आकर यहां पर ये जो पेन वाला आइकॉन दिख रहा है इस पर जाकर आपको डायरेक्ट थंबनेल को लगा देना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे थंबनेल को लगाना है, मतलब वीडियो अगर अपलोड हो रहा है तभी आपको आकर अपने YouTube स्टूडियो में वहां से आपको थंबनेल को लगा देना है, क्योंकि अपलोड होने के बाद यह ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो आई होप आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। जैसा कि मैंने आपको एक एक प्रोसेस अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले जाकर दिखा दिया है लाइव कि कैसे आपको YouTube पर शॉर्ट्स अपलोड करके कैसे आपको YouTube स्टूडियो में जाकर थंबनेल को लगाना है, सारा कुछ आप सीख गए होंगे। आई होप आपका जो भी डाउट है सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको इस टाइम अब शॉर्ट्स में थंबनेल को लगाना है। अगर आपको शॉर्ट्स में किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो आकर बना दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बिना बोले लाइक कर दीजिए, और जो भी आपका प्यारा कमेंट है उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।